प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। देश जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होने को लेकर अमृत महोत्सव मना रहा है तो 1930 के गांधी जी के नमक सत्याग्रह को लेकर दांडी मार्च भी याद आता है। नमक सत्याग्रह में बिहार का भी योगदान है। एक रिपोर्ट। सत्याग्रह के नाम से इतिहास में चर्चित दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। इस मार्च के जरिए बापू ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़कर उनकी सत्ता को चुनौती दी थी। इस नमक सत्याग्रह में बिहार के कैमूर और अलवर जिलों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आज हम आपको मिलवाएंगे अरवल के कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से। जगदीश सिंह अरवल जिले के सकरी गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने 1930 से 40 के दौरान औपनिवेशिक संघर्ष को अपने तरीके से जिया है। यहाँ के माहौल बिगड़ गया था। 14 माइल में अल्पसंख्यकों को जान मार दिया गया था समय के नहीं। उस समय गांधी जी को हमने से बातचीत किया, फ्री होकर के हम बात की। उस समय डांडी नमक चला था और उस समय हम लोग को प्रोत्साहन देते थे समय के नहीं कि जिसे कि अफीम की खेती होती थी उस सब अंग्रेज सब तंग करता था, नमक वाला था पूरा। तो गांधी जी हम लोग का ये संदेश सुनाते थे तो हम लोग जब लाइब्रेरी में जाते थे तो कुछ गांधी जी के उपदेश सुनते थे। इसी तरह हैबतपुर के गया प्रसाद ने भी उन दिनों के औपनिवेशिक संघर्ष को अपने तरीके से याद किया। वे खुद भी 9 अगस्त 1942 के आंदोलन में हिस्सेदार रहे। उन्होंने उस दौर के संपूर्ण संघर्ष का बड़ा ही जीवंत अनुभव दूरदर्शन के साथ साझा किया। आंदोलन शुरू हुआ 9 अगस्त को 1942 तो उसमें हम भाग लिए और थाना पर चढ़ाई किया गया और हम लोग झंडा फहरा दिया उस पर। न सिर्फ दांडी मार्च बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और आगे चले आंदोलनों में भी जिले का प्रतिनिधित्व रहा। राजा बीघा के जगन्नाथ सिंह ने भी अपने अनुभव सुनाए। मखदूमपुर के राम वृक्ष सिंह कहते हैं कि उस वक्त देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। सैदपुर धावा के राम इकबाल शर्मा की आंखें आज भी इन आंदोलनों का जिक्र आते ही चमक उठती हैं। एक बार सवेर ही 7-8 बजे करीब लगभग सवेरे चढ़ाई हो गया। चढ़ाई होने के बाद आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी का पदार्पण ही चंपारण सत्याग्रह से हुआ था। उसके बाद के सभी आंदोलनों में बिहार ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अमृत महोत्सव आज़ादी के ऐसे ही रणबांकुरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का उत्सव है। अरवल से प्रवीण मिश्रा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।